सो हियर कम्स द लास्ट डे ऑफ द सीरीज। आज मैं वैलेंटाइन डे पे क्या सरप्राइज दिया जाए वो बताने जा रही हूँ। मैंने रोज डे से लेकर वैलेंटाइन डे तक सारे डेज को कैसे सेलिब्रेट किया जाए मैंने आइडियाज दिए हैं। मैं वो सारे डेज की वीडियो मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है एंड वो प्लेलिस्ट में लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो सारे डेज जरूर देखना, मैंने बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज दिए। आज मैं वैलेंटाइन डे को कैसे सेलिब्रेट किया जाए ये बताने जा रही हूँ एंड आज लास्ट डे है इस सीरीज का। बट डोंट वरी, अभी मैं बहुत सारे सीरीज निकालने वाली हूँ तो दिस इज नॉट द एंड, अभी तो शुरुआत। तो स्टे ट्यून, अभी मैं बहुत सारे आइडियाज आप लोग के लिए लाने वाली हूँ। तो चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले हे एवरीवन, इट्स दीप्ति, वेलकम टू हैशटैग सरप्राइज विद दीप्ति। अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग सरप्राइज आइडियाज चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो अभी लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला जो सरप्राइज आइडिया है वो मॉर्निंग सरप्राइज आइडिया है कि वैलेंटाइन डे के दिन आपको क्या करना है, मॉर्निंग में अपने पर्सन के पास पहुंच जाना है, मतलब उसके घर के बाहर या कहीं भी पहुंच जाना है। वो सो रही होगी एंड आपको कॉल करना है कि मैं घर के बाहर हूँ या जहाँ भी प्लेस बताना यहाँ पे आ, मतलब उसको मॉर्निंग में ही सरप्राइज दे दो, उसका पफी फेस, मतलब हाँ आपको समझना होगा कि उसको ये सब पसंद है या नहीं, उसको सरप्राइजेस पसंद है या नहीं, तभी ये सरप्राइज देना। तो आप सुबह सुबह ही पहुंच जाओगे तो उसे अच्छा लगेगा वैलेंटाइन डे के दिन, तो आपको उसका पफी फेस भी देखने को मिल जाएगा, तो बहुत ही क्यूट सरप्राइज होगा। तो सेकेंड आइडिया है रैप इट वेल, मतलब आप कोई भी गिफ्ट दे रहे हो कोई भी, तो उसको इतने अच्छे से पैक करो, उसको इतने अच्छे से रैप करो, इतने प्यार से रैप करो, एंड रैपिंग में भी प्यार दिखना चाहिए कि उसको खोलने का मन ना करे कि हाय रैपिंग ही इतनी प्यारी है मैं इसको कैसे खोलूं। रैपिंग में अपना पर्सनल टच डालो ताकि उसको दिखे कि कितना एफर्ट लगाया है गिफ्ट को रैप करने में भी। नेक्स्ट है फूड सरप्राइज, तो लड़कों के लिए तो ये बेस्ट सरप्राइज कि आपको कुछ भी प्यार से बनाओ एंड उसको इतने अच्छे से प्रेजेंट करो, उसमें दिखना चाहिए आपका प्यार दिखना चाहिए, उस फूड को इतने अच्छे से प्रेजेंट करो कि सामने वाला आपकी एफर्ट भी देखे आपका प्यार भी देखे और हाँ स्वाद भी होना चाहिए उस फूड, और फेवरेट फूड हुआ तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आइडिया है कि आप एक पैकेज बना सकते हो, लाइक रोज डे से लेकर वैलेंटाइन डे तक एक पैकेज खुद बनाओ, कस्टमाइज करो खुद, उसमें रोज डे के लिए कुछ रख दो, देन प्रपोज डे के लिए कुछ रख दो, चॉकलेट डे के लिए कुछ रख दो, देन टेडी डे के लिए देन कुछ रख दो, देन प्रॉमिस डे के लिए, देन किस डे के लिए, फिर हग डे के लिए, फाइनली वैलेंटाइन डे के लिए ये पूरा पैकेज आप बनाओ एंड उसे गिफ्ट कर दो। नेक्स्ट आइडिया है फाइव सेंस गिफ्ट, बहुत लोग इसके बारे में जानते होंगे लेकिन जिसे नहीं पता है तो ये बहुत ही इंटीमेट और बहुत ही पर्सनल गिफ्ट होगा। इसमें क्या करना है कि आपको पांचों सेंस के गिफ्ट देने एंड उसमें लिखना है कि आई लव यू विद ऑल माय सेंसेस। हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से है, आईज है, नोज है, टंग है, स्किन है, ईयर है, तो ये हमारे सेंस ऑर्गन है। आंखों से हम देखते हैं, नोज से स्मेल करते हैं, टंग से टेस्ट करते हैं, कान से सुनते हैं एंड स्किन से हमें फील होता है, टच फील होता है, तो ये हमारे सारे सेंसेस है, तो इन सेंसेस के हमें गिफ्ट देना है। लाइक आंखों के लिए आपने स्पेक्स दे दिया, नोज के लिए परफ्यूम दे दिया ताकि वो स्मेल कर सके, देन टंग के लिए कुछ खाने का फेवरेट फूड दे दिया, ईयर्स के लिए हेडफोन या स्पीकर कुछ दे दिया, टच के लिए समथिंग क्लोथ्स दे दिया या कुछ भी जिसे टच करके फील कर सके, क्लोथ्स, ब्लैंकेट, ऐसी चीज दे दी। तो आपको पांचों सेंसेस के गिफ्ट देने हैं, उसे अच्छे से रैप करना है एंड उसमें लिखना है कि आई लव यू विद ऑल माई सेंसेस। तो बहुत ही इंटीमेट, पर्सनल एंड रोमांटिक गिफ्ट होगा ये आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या इवन अपने फ्रेंड्स के लिए। नेक्स्ट है आप खुद बना के कुछ दे सकते हो, DIY बना के कुछ दे सकते हो। जैसे आप 100 reasons why I love you के कार्ड्स बना सकते हो, इसमें आपको 100 कार्ड्स बनाना है और उसमें रीजन देना है कि आप उस पर्सन से क्यों प्यार करते हो। मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने 100 reasons दिखाए हैं, तो आपको चेक करना होगा, थोड़े आइडियाज लेने होंगे उसमें से, तो आप देख लेना। सेकेंड है हार्ट एनवलप, इसमें आपको छोटा सा हार्ट एनवलप बनाना है एंड उसमें अपना प्यारा सा मैसेज लिखना है। कूपन्स, नेक्स्ट है कूपन्स, आप कूपन्स बना सकते हो, उसमें एक्टिविटीज लिख सकते हो जो आप अपने पर्सन के साथ करना चाहते हो, तो जब आपके पर्सन का मन होगा वो कूपन रिडीम करेगा और आपसे जो एक्टिविटी कराना होगा करेगा।
कि आप दोनों साथ में प्लान करो, मतलब एक दूसरे को सरप्राइज नहीं दो, मतलब साथ में मिलके प्लान करो कि हाँ हमें वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना है, और साथ में बहुत अमेजिंग सा प्लान करो, जो उसके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं, जो आपके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं, दोनों साथ में बैठ के प्लान करो कि हमको ये चीजें करना है एंड इंजॉय करो। तो कहते हैं कि हाँ एक ही दिन थोड़ी ना प्यार जताया जाता है, पर अगर वो डे है तो उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। हम अपना बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं ना, अपने आप को स्पेशल फील कराते हैं ना, तो वो सारी चीजें नहीं सोचना चाहिए कि हाँ एक ही दिन थोड़ी ना प्यार दिखाना चाहिए। हाँ हर दिन दिखाना चाहिए, लेकिन अगर कोई डे है तो उसे सेलिब्रेट करोगे ना तो दोनों को अच्छा लगेगा। सेलिब्रेट करते रहोगे ना, ये छोटी छोटी चीजें करते रहोगे ना तो अच्छा लगेगा दोनों। नेक्स्ट ऑनलाइन गिफ्ट्स मैं कुछ बताने जा रही हूँ। मुझे बहुत सारे ऑनलाइन गिफ्ट्स दिखे, मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ कुछ गिफ्ट्स। मैं सबको लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे गिफ्ट्स को। पहला है ओए हैप्पी का एक पैकेज है, जिसमें रोज डे से लेकर वैलेंटाइन डे तक सारे गिफ्ट्स आपको मिलेंगे, तो वो पैकेज आप देना चाहो तो दे सकते हो। नेक्स्ट ये जैसे मून लैम्प पहले था उसी तरह की हार्ट शेप का लैम्प है, एंड इसमें आप अपने दोनों की फोटो लगा के दे सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था तो मैंने सोचा शेयर करूं इसे भी आपके साथ। नेक्स्ट ये बॉटल शेप का ये जो वुड का ट्रे था, ग्लास स्टैंड था, इसमें ग्लास रखे थे, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो आप ये दे सकते हो, ये IGP.com पे मिलेगा आपको। नेक्स्ट है कि आप ये कॉफी मग दे सकते हो, जिसमें एक मग आप अपने पास रखो एक उसको दो, तो आप दोनों के पास पेयर रहेंगे दोनों। नेक्स्ट है कि आप ये वुडन डॉल दे सकते हो, आपका पर्सन का फेस इसमें बना होगा तो आप ये डॉल दे सकते हो उसको, क्यूट सा गिफ्ट ये भी है। नेक्स्ट आइडिया फैमिली के लिए है कि अगर आप फैमिली में सेलिब्रेट करना चाह रहे हो वैलेंटाइन डे तो उसको कैसे करें। सबसे पहले तो सारे कपल्स को बुला लो, दीदी जीजा भाभी भैया मम्मी पापा बुआ फूफा मौसा मौसी, जो भी आपके क्लोज वंस हो, मतलब जिनसे आपकी बनती है, उन सबको बुला लो वैलेंटाइन डे के लिए। एक पार्टी ऑर्गेनाइज करो, उसमें गेम्स रखो कपल वाले, डांस करो, फूड रखो, केक कट करो, सारे कपल्स के नाम का केक होना चाहिए, इस तरह केक कट करो एंड उस डे को सेलिब्रेट करो फैमिली के साथ। पूरे रूम को अच्छे से वैलेंटाइन थीम पे डेकोरेट करना, बहुत ही अच्छा लगेगा ये। अब एंड लास्ट आइडिया है कि आप खुद डेकोरेशन कर सकते हो अपने पर्सन के लिए, लाइक आप फ्लोर सरप्राइज दे सकते हो, जिसमें आप फ्लोर पे गद्दा वगैरह बिछा कर उस पे बलून्स वगैरह रख कर एंड फूड वगैरह रख कर उसे सरप्राइज कर सकते हो, एंड वहाँ पे बैठ के आप दोनों टाइम स्पेंड कर। कॉर्नर सरप्राइज दे सकते हो, जहाँ पे आप कॉर्नर में ये सारी चीजें मतलब सजा वजा के रख के उसे डेकोरेट करके आप बाथटब डेकोरेट कर दो या रूम डेकोरेट कर दो, कुछ डेकोरेट करो, टेरेस पे डेकोरेशन कर दो या कैंप बना के डेकोरेशन कर दो, कुछ भी आप डेकोरेट कर सकते हो, या ब्लैंकेट फोर्ट वाला डेकोरेशन कर दो, कुछ भी आप डेकोरेट कर सकते हो एंड वहाँ पे आप उसको सरप्राइज दे। सो दैट्स इट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो। एंड जैसा कि मैंने कहा, दिस इज नॉट द एंड, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी मैं बहुत सारी सीरीज लेके आने वाली हूँ और बहुत सारे सरप्राइज आइडियाज, इंटरेस्टिंग एंड यूनिक आइडियाज आपके लिए लाने वाली हूँ। एवरीथिंग इज प्लान, अब मुझे बस जल्दी जल्दी वीडियोज डालनी है, समथिंग न्यू इज कमिंग, सो बी एक्साइटेड for that। So आपको किसी के लिए भी सरप्राइज आइडियाज चाहिए, मम्मी पापा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप उसमें जाके देख लेना। और मेरी हर फ्राइडे को वीडियो आती है, तो आप हर फ्राइडे को मेरे चैनल पे वीडियो पाओगे। और आपको कोई आपकी कोई भी रिक्वेस्ट होगी इस पे वीडियो बनाओ या इस पे बनाओ, तो मेरे को कॉमेंट बॉक्स में बताना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो बस अभी वीडियो एंड करते हैं, दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू डिड, लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, फॉलो दीज हैंडल्स ऑन इंस्टाग्राम एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय, टेक केयर।